तो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 1:2:3 रेशियो। दे एडमिटेड, डी को एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। डी एक्वायर हिज शेयर 1/24 फ्रॉम ए। फ्रॉम आ गया मतलब ये ऑलरेडी हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है, ठीक है। 1/24 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब आपको ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट माइनस करना है, दैट इज ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन देखो, ठीक। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग या सरेंडर शेयर, कि वो कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्लियर। नाउ सबसे पहले ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना है बेटा, देखो 1:2:3। ए बी सी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। सो 1/6 माइनस सेक्रीफाइस कितना कर रहा है ए, 1/24, क्लियर, ठीक है, 1/24। नाउ एलसीएम ले लेंगे 24, सो 4 - 1 3/24। ऐसे ही बी का कैलकुलेट कर लेंगे। बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/6 माइनस बी कितना सरेंडर कर रहा है 1/24, एलसीएम विल बी 24, सो ये हमारा कितना आ जाएगा 8 - 1 7/24, ठीक है। अब सी का कैलकुलेट कर लेंगे। सो सी का 3/6 माइनस सी कितना सरेंडर कर रहा है 1/12, सो 24, 6 - 1 विल बी 5/24। एंड हमें पता है कि डी को हमने कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, हम डी को 1/6 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/24, 7/24, 5/24 एंड 1/6। एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा, 3:7:5:4 विल बी योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।